हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट ऑलराउंडर गेमिंग। तो आज का पहला न्यूज है स्काईलॉट के बारे में। तो शायद बहुत जल्दी बो किसी पबजी यूट्यूबर को रोस्ट करते हुए वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बो किसी पबजी यूट्यूबर के किसी काम से गुस्सा थे, पर इसमें स्काईलॉट ने किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लिया। तो आप लोग खुद सुन लीजिए कि इसमें उन्होंने क्या कहा था। क्या हो गया बताते हैं गाइस, बताते हैं क्या हो गया। पहले मेरे को एक क्लिप ढूंढ लें दो, मेरे को क्लिप ढूंढ लें दो, फिर मैं एक पबजी वाला यूट्यूबर उसके ऊपर एक मस्त वीडियो बनाऊंगा। तुम याद रखोगे कि भाई किसी ने मारी थी, टेक्निकल सागर की तो कमी मारी थी मैंने, पर उसकी इतनी गंदी मारूंगा मैं कि जीवन भर याद रखेगा। और इसी के साथ ही आपको पता होगा कि स्काईलॉट ने एक्सट्रीजी स्पोर्ट छोड़ दिया है, और स्काईलॉट ने यह कहा कि वो 2-3 दिनों के अंदर ही न्यू ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे। तो अभी देखते हैं कि वो कौन से और को ज्वाइन करते हैं। हमारा अगला न्यूज है सुदीप सरकार के बारे में। तो आप सभी को पता है कि सुदीप सरकार ने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया। तो इसी के ऊपर बात करते हुए सुदीप सरकार ने यह कहा कि जब उनके चैनल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट होगा तब वो अपना फेस रिवील करेंगे। अगला न्यूज है देसी गेमर्स के बारे में। तो कुछ दिनों से वो अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे, और वो इन दिनों वीडियो भी ठीक से डाल नहीं रहे। तो हमने आपको बताया था कि उनके रूम पे काम चल रहा है, जिसके वजह से वो लाइव स्ट्रीम कर नहीं पाते। तो इसमें और कितना दिन लगेगा और कब तक वो लाइव स्ट्रीम कर पाएंगे, उसके बारे में बात करते हुए देसी गेमर्स ने क्या कहा, देख लीजिए। और गाइस, मैं पिछले कई दिन से लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा हूं, वीडियो भी 2 दिन में एक बार करके डाल रहा हूं, क्योंकि मेरे रूम में थोड़ी काम चल रही है। भाई मेरे को भूल मत जाना, ठीक है, तुम जिंदा है। चलो, और गाइस मैं बहुत इनएक्टिव हूं अभी YouTube पे, क्योंकि थोड़ा रूम में काम वाम चल रहा है, और 1-2 दिन की बात है, उसके बाद अपन रेगुलर एक्टिव हो जाएगा, डेली वीडियो जाना शुरू हो जाएंगे। और 16 तारीख से शुरू होने वाले टाइटन टूर्नामेंट में कुल 12 टीम खेलेंगे, और इसमें टीजी और स्काउट की टीम मिलके एक ही टीम बनके खेलेंगे। तो इसमें इस बार खेलने वाले 12 टीमों का नाम है गैलेक्सी रेसर, ग्लोबल स्पोर्ट, नोबेल स्पोर्ट, मार्कोस गेमिंग, टीम सोल, टीजी एंड स्काउट, टोटल गेमिंग, टीम इलाइट, एक्सट्रीजी स्पोर्ट, 4 अननोन, टीम केओस और ऑप्टिमम स्पोर्ट। तो इन 12 टीमों में से आप लोग किसका सपोर्ट करेंगे कमेंट करके जरूर बताइए। बात करते हैं एएस गेमिंग के बारे में। तो उन्होंने ये बताया कि शायद वो 1 हफ्ते बाद अपने गांव जाएंगे, और इसके वजह से कुछ दिन वो शायद अपने लाइफ पे मौजूद नहीं रहेंगे, और इसके साथ ही वो अपने गांव में ब्लॉग वीडियो भी बनाएंगे। तो इसी के बारे में बात करते हुए एएस गेमिंग ने क्या कहा, देख लीजिए। बता देता हूँ गाइस, मैं ना कुछ दिनों में गाइस कुछ टाइम के बाद शायद 1 हफ्ते के बाद शायद गांव जाऊंगा, तो मैं लाइव स्ट्रीम वगैरह नहीं करूंगा। सो आई थिंक कुंदन भाई और डीनो मेरे चैनल पे लाइव करेंगे, और वीडियोस वगैरह आती रहेगी, वीडियोस वगैरह रेगुलर आएगी, और फिर भी आने के बाद वहाँ पर मैं व्लॉग बनाऊंगा, बहुत सारे 2-3 व्लॉग बना के लेके आऊंगा, तो तुम लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है, मतलब बहुत 2-3 व्लॉग तुम लोगों को देखने के लिए मिलने वाले। और इसी के साथ ही एएस गेमिंग ने यह बताया कि उनके दोस्त कुंदन गेमिंग का चैनल हैक हो गया है, और इसके साथ ही एएस गेमिंग ने यह कहा कि इसमें बिटकॉइन का लाइव स्ट्रीम हुआ था, जिसके बाद उनका चैनल डिलीट हो गया। तो इसी के बारे में बात करते हुए एएस गेमिंग ने क्या कहा, देख लीजिए। मेरे भाइयों और गाइस, आप लोगों से एक सीरियस टॉपिक पे बात भी कर रही थी, तो मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस, अपने जो कुंदन भाई है, जो कुंदन आपने देखा भी होगा, कुंदन भाई जो अपने हमारे साथ खेलते हैं, जिनका चैनल भी है कुंदन गेमिंग, तो इनका चैनल जो है गाइस हैक हो चुका है, ठीक है। कल रात में इनका चैनल को किसी ने पता नहीं हैक कर लिया, बिटकॉइन वाले किसी ने हैक कर लिया है, और उस पे गाइस रात में शायद बिटकॉइन की स्ट्रीम भी चली थी, और उसके वजह से उसको चैनल को डिलीट कर दिया यूट्यूब ने, शायद डिलीट या टर्मिनेट किया होगा, वो डिलीट हो चुका है, यूट्यूब पे दिख नहीं रहा कुंदन भाई का चैनल कुंदन गेमिंग। शायद आप में से किसी ने, बहुत सारे ने सब्सक्राइब भी किया होगा, तो वही है गाइस कि कुंदन भाई का चैनल जो है वो हैक हो चुका है, ठीक है। अब आप सर्च करोगे तो नहीं दिखेगा चैनल आप लोगों को। तो आप लोगों को करना क्या है कि रिट्वीट करना है, ठीक है। ट्वीट को इन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया हुआ है, तो उसको आप लोग रिट्वीट करो, तो भाई को इनका चैनल वापस मिल जाएगा कुंदन भाई को। तो कुंदन भाई का चैनल रात के टाइम में हैक हो गया है, ठीक है। तो अपने दोस्त यार सब बंदे एक बार जाके रिट्वीट ज़रूर से कर लेना है, ठीक है। भाई का चैनल रात में हैक हो गया है, ठीक है भाई लोग। तो आप लोगों से हो पाया तो आप लोग उन्हें मदद जरूर करना। अगला न्यूज है पहाड़ी गेमिंग के बारे में। तो टोटल गेमिंग ने जो अपने वीडियो में हैक प्रमोट किया था, तो उसके बारे में जानने के बाद लोग हर किसी की स्ट्रीम पे जाके अज्जू भाई हैक सेलर लिख के स्पैम करते हैं। तो यही स्पैम जब पहाड़ी गेमिंग की स्ट्रीम पे हुआ, तो इसके ऊपर पहले तो पहाड़ी गेमिंग ने यह कहा कि टोटल गेमिंग ने माफी मांग लिया है, और उसके बाद उन्होंने इनडायरेक्टली स्काईलॉट के बारे में बात करते हुए ये कहा कि वो भी तो पहले गलती किया था। तो इसमें पहाड़ी गेमिंग ने क्या कहा था, देख लीजिए। गेमिंग हैकर बिफोर लिंक हियर दिसंबर फलाना ब्रो, उस चीज के लिए उन्होंने माफी मांगी है, और एक गलती के लिए तो यार सबको माफ करना चाहिए, सबसे बड़ी बात समझ रहे हो। कोई अपने आप को छुपाने की, मतलब अपने आप की सफाई देने की, ना अपने आप को सफाई दिया ना कुछ करा, डायरेक्ट सॉरी, तो ये चीज सही है। मुझे भी माफ करा था तुम लोगों ने एक बार ही, सबको माफ करना चाहिए, यही विधि का विधान है। छोटी सी मतलब गाइस, एक गलती तो यार हर किसी की माफ होती है ना, समझ रहे हो। अब चाहे कुछ भी था, वो 1-1.5 साल पुरानी बात है, तो गड़े मुर्दे गाड़ने की जरूरत ही नहीं है। गाइस मैच्योर बनो यार, फालतू चीजों में मत पड़ो। देखो जहां से आपको पता लगा है
वो भी बहुत गलतियां करता था, ठीक है, उसे भी माफ कराना तुम लोगों ने, बस वैसे ही सिंपल। मैंने भी कितनी गलतियां करी हैं, मुझे भी माफ कर, गलतियों से तो लोग सीखते हैं यार। और इसके साथ ही कल जब एक्स मीनिया की स्ट्रीम पे अजूबा हैक सेलर स्पैम हुआ तो इसके ऊपर एक्स मीनिया ने ये कहा कि 19 मिलियन सब्सक्राइबर है, क्या बोल रहे हो। तो एक्स मीनिया के इस क्लिप को जब स्काई लॉर्ड ने अपनी स्ट्रीम पे देखा तो इसके ऊपर स्काई लॉर्ड थोड़ा सा गुस्सा हो गए, क्योंकि एक्स मीनिया ने इस बात को ऐसे कहा कि जैसे टोटल गेमिंग के ऊपर फेक एलिगेशन लगाया गया हो। तो इसी का रिप्लाई देते हुए स्काई लॉर्ड ने अपनी स्ट्रीम पे क्या कहा देख लीजिए। आई तुम यार बंदे के 19 मिलियन है यार, और तुम क्या बोल रहे हो भाई। हाँ ठीक है, मतलब कुछ हाँ, भी यार लिटरली अब मैं थक गया हूँ यार, तुम बहुत स्पैम कर रहे हो यार। तो आने तो क्या, बंदे ने करा है तो स्पैम ने करेंगे तो आरती उतारेंगे, मतलब नहीं जो हमने कल वीडियो दिखाया है वो फेक है। वाह भूसड़ी क्या, वाह भाई वाह, ताली बजाओ भाई इसके लिए। सारे बंदे जरा वो हा वाला जो इमोजी आता है ना, वो हंसता है जिसमें, जरा वो सारे स्पैम कर दो प्लीज, प्यार से स्पैम करना, गुस्से को नहीं दिखाएगा। ये बात सही बोली इसने, ये बात सही है, ये बात सही बोली इसने, बात तुमको मानिया से करनी चाहिए। एक चैट नहीं पढ़ पा रहा है, एक ढंग से चैट पर एक होता है ना, गेहूं के साथ खून भी भिजता है। अज्जू भाई ने तुमको इतना बड़ा किया है तो यार बंदे तुमसे पूछेंगे ना यार, जो अब्बा थे तुम्हारे अब्बा ऐसा क्यों किए, बनता है भाई पब्लिकली पूछेंगे वो तो, क्योंकि अब्बा ने पब्लिकली हैक दिया है बंदों को। लो भाई इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल फिर विश्वास। तो अब्बा जब गलती करेंगे तो बच्चे से पूछेंगे ना, ऐसे स्कूल में जब मास्टर आते हैं और बच्चा गलती करता है तो अब्बा को बुलाते हैं, वैसे आज ये यूट्यूब में ऐसा होता है, जब बच्चा गलती करता है तो बच्चों के अब्बा को पूछते हैं, और अगर अब्बा गलती करते हैं तो अब्बा को बोलते हैं कि यार समझ रहा हूँ ना, बच्चे से बोलेंगे तुम्हारे अब्बा ने गलती करी है, तो अब्बा की थोड़ी बच्चों को सुननी पड़ेगी ना, आगे सुनते हैं, डिफेंड पूरा करेंगे। क्योंकि देखो ये लोग ऐसे हैं, इनका इनके जो गोटे हैं ना वो लोटे में अटके हुए हैं, ना ये उसको अंदर डाल सकते हैं ना ये बाहर निकाल सकते हैं, ना ये अज्जू के खिलाफ बोल सकते हैं, और साथ तो बोलना ही पड़ेगा, साथ नहीं रखेंगे तो वो इनको कद्दू भावना देगा, इनका चैनल कैसे चलेगा, समझ रहे हो ना गाइस। तो अब डिफेंड करने वाला कोई रीजन नहीं वहां पे, गलती मैंने पास्ट में की थी, मुझे सजा मिली, तो भाई गलती तुमने भी पास्ट में की, तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए क्या, थोड़ी तो मिलनी चाहिए ना, थोड़ा प्यार तो तुमको भी मिलना चाहिए जो प्यार हमको मिला था। तो हेट क्या होती है तुमको मालूम पड़ेगा, ये लोग पता है इनडायरेक्टली बहुत कुछ करते हैं मेरे खिलाफ, बहुत कुछ। जो अज्जू भाई ग्रुप मैंने देखा 4-5 वीडियोस बच्चों के पिल्लों के जो उनके स्ट्रीम में खेलते हैं इनके साथ, तो मैं देखता रहता हूँ, मैं इग्नोर करता रहता हूँ, पर मैं दिमाग में एक चीज डाल के रखता हूँ, भाई एक शॉट मारूंगा पर एक परमानेंट दूंगा ना मैं, एक महीने तक दर्द होगा तुमको। ओके, मैं मेरा सो सुनार की एक लोहार की वाला उसूल है, पहले से तब से पैदा हुआ तब से लेके अभी तक का। और गेमिंग टमजन ने अपने चैनल पे पोंगल स्पेशल कॉमेडी वीडियो अपलोड किया है, तो आपको अगर उनके ये वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट के बारे में। तो एमबीजी आर्मी ने कंप्लीट कर लिया है 300 के सब्सक्राइबर, एस आर्मी ने कंप्लीट कर लिया है 700 के सब्सक्राइबर, और फायर आइज गेमिंग ने कंप्लीट कर लिया है 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर। सो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। और गाइस अभी तक आप लोगों ने अगर हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो तब तक के लिए बाय।